नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में कोविड से 69 की मौत, गड्ढे में गिरी जख्मी महिला की मौत, गांजा तस्कर अपराधी गिरफ्तार। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। जिले में कोविड से 69 की मौत। नागपुर जिले में कोविड से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को जिले में कोविड से 69 मौतें हुई और 5661 नए संक्रमित मिले। अब तक कुल 284217 संक्रमित हुए और कुल मृतक 5838 है। 8 अप्रैल को एक दिन में सर्वाधिक 73 संक्रमित की मौत हुई है। वहीं कोविड की पहली लहर में 17 सितंबर को एक ही दिन में सर्वाधिक 64 मरीजों की मौत हुई थी। अप्रैल में कोविड संक्रमण बेलगाम हो चुका है। प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं, पर संक्रमण काबू में नहीं आ रहा है। आज मिले संक्रमितों में शहर के 3912, ग्रामीण के 1744 और जिले के बाहर के 5 है। वही मृतकों में शहर के 37, ग्रामीण के 27 और जिले के बाहर के 5 है। शहर में अब तक कुल 215628, ग्रामीण में 67489 और जिले के बाहर के 1100 पॉजिटिव आए। वही अब तक हुई कुल मौतों में शहर के 3641, ग्रामीण के 1279 और जिले के बाहर के 918 है। आज 3247 ठीक हुए। इसके साथ ही अब तक 220560 ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट 77.60% दर्ज किया गया। आज 17047 नमूनों की जांच की गई है। इनमें से शहर के 11494 और ग्रामीण के 5553 है। अब तक कुल 18,44,291 नमूने जांचे गए हैं। तो वही दूसरे और गड्ढे में गिरी जख्मी महिला की मौत। बाइक के गड्ढे में जाने से जख्मी महिला की मौत हो गई। तुमसर भंडारा निवासी 32 वर्षीय फुलवंता सोनव ने 2 दिसंबर 2020 को अपने पति के साथ बाइक पर सवार होकर कामटी से नागपुर आ रही थी। कामटी मार्ग पर बाइक के गड्ढे में जाने से फुलवंता नीचे गिर पड़ी। जख्मी होने से उनका मेडिकल में उपचार चल रहा था। उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। यशोधरा नगर पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। तो वही तीसरी और गांजा तस्कर अपराधी गिरफ्तार। नागपुर पाचपौली पुलिस ने गांजा तस्करी में लिप्त अपराधी पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपी राजेश उर्फ लावा लालचंद डेकाटे नाइक तालाब है। लावा पेशेवर अपराधी है। वह रविवार को कोलकाता रेलवे लाइन के पास संदिग्ध अवस्था में मिला। उसकी तलाशी लेने पर 3 किलो 576 ग्राम गांजा मिला। उसकी कीमत 35,760 रुपए थी। पुलिस ने लावा को गिरफ्तार कर गांजा बरामद कर लिया। उसके खिलाफ मादक पदार्थ निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।